हेलो दोस्तों, मेरा नाम फेरोज खान। मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक मजदूर। मैं आज आपको बताने वाला हूँ आइचर जंबो 2016 का इंजन में जो साउंड आ रहा था, और पिछले शॉर्ट वीडियो में मैं अपलोड कर रहा था कि ये साउंड किस चीज़ का है। तो आप देख सकते हैं ये वाल 3 नंबर सिलेंडर का इनलेट वाल पूरा ऊपर आ चुका है। अभी हम हेड के सारे बोल्ट निकाल दिए, और निकालने के बाद और हेड भी निकालेंगे और निकाल के बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम था और ये साउंड क्यों मार रहा था। गाड़ी में वाइट स्मोक का प्रॉब्लम भी था और गाड़ी मिसफायर हो रही थी, इंजन में साउंड मार रहा था। तो हमने अपने वर्कशॉप पे गाड़ी मंगवाया और हेड निकाल दिए, आप देख सकते वीडियो में। तो 3 नंबर सिलेंडर का इनलेट वाल जो है उसका सीट टूट के, जो हेड का सीट आता, सीट टूटने की वजह से वो इनलेट वाल पूरा डैमेज हो चुका, वो अंदर जा चुका है। उसका जाने से और गाड़ी मिसफायर होती और इंजन में साउंड मारता, वो सीट टूट के पिस्टन के ऊपर गिरा। इसका जो मेटल रहता तो वो वाल को मारने की वजह से साउंड आ रहा था। ये देख सकते हैं वीडियो में 3 नंबर पिस्टन का जो सीट के टुकड़े गिरने की वजह से पूरा डैमेज हो चुका, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब सिलेंडर ब्लैक में पिस्टन देखे और हेड भी देख सकते हैं और एक बार। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों से, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड कर सकूं, क्योंकि मैं खुद मैकेनिक हूं, मैं खुद वीडियो अपलोड करता हूं और मैं खाली जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके ज़्यादातर वो वीडियो बताता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम बताना एक बहुत बड़ा काम है। फिटिंग तो कोई भी करेंगे, क्योंकि ये खोलने के बाद ऐसा प्रॉब्लम आया, फिटिंग तो कोई भी कर सकते, तो ऐसा साउंड आने पर क्या करना चाहिए वो भी आपको मैं बताऊंगा। ये देख सकते हैं, हेलो, अच्छे से सिलेंडर ब्लैक में पिस्टन 3 नंबर डैमेज हो चुका है, और फिर सारे पिस्टन के लाइनर्स भी चेंज करना है क्योंकि वो भी डैमेज है। और एक बार आपको मैं हेड बताता हूँ। ये देखिए हेड का हाल, 3 नंबर पिस्टन का जो इनलेट वाल है वो पूरा डैमेज हो चुका, और ये देख सकते हैं इसका चैम्बर और इंजन का सामान और ये पिस्टन देख सकते हैं आप। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो डालता रहूं। और इसका ये हेड है और इसकी ये गैसकेट आप देख सकते हैं।